जैसा कि आप लोग को पता है कि आरआरबी जेई का एग्जाम आने वाला है, तो उसको देखते हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सीरीज लेके आए हैं, जिससे इसके पहले हम लोग 5 पार्ट बना चुके हैं, आज हम लोग का ये 6वां पार्ट है। तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके लिए एक मोटिवेशनल क्विट है, आज देखिए क्या है ये। आपका सबसे अच्छा शिक्षक आपकी आखिरी गलती है। जैसे मतलब जो भी पीछे आपका एक बार गलती होता है ना, उसको फिर से रिपीट ना करें, उससे कुछ सीखें और उसको जीवन में इम्प्लीमेंट करें कि हम कहाँ पे मेरा गलती हो गया और उससे क्या उस गलती को दोबारा ना करें। तो ठीक है, आइए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो बात करते हैं, चलिए। तो आपको पता है कि इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि जैसे प्रीवियस ईयर जो भी है, ऐसे ही आरआरबी जेई में एग्जाम आने वाला है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ग्रहों को उनके नियमित कक्षा में बनाए रखने वाला बल कौन सा होता है? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैसे ग्रह जो गति करते हैं, वो उसको अपने कक्षा में बनाने के लिए कौन सा फोर्स कार्य करता है, मतलब बल कार्य करता है। तो आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये तो होता नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स ये तो मैग्नेट चुंबक के बीच में लगता है, ये न्यूक्लियर फोर्स ये तो केमिस्ट्री से है। तो इसका बस एक ही ऑप्शन होगा, कौन सा? ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। जैसे बोल रहा है कि एक कण को ऊर्ध्वाधर दिशा में u आरंभ वेग से प्रक्षेपित किया गया, यदि त्वरण गुरुत्वाकर्षण के कारण g है, तब उसके द्वारा प्रारंभ प्राप्त अधिकतम ऊंचाई निम्नलिखित में से कौन सी होगी? तो आपको पता है कि आपको एक डेरिवेशन करना होगा, जिसको हम लोग इंटर में फिजिक्स में किए थे, मैकेनिक्स में भी किए हैं। जैसे ये जब कोई कण प्रक्षेपित होता है, तो मैक्सिमम जैसे पोजिशन पे उसका वेग कितना होगा? तो आपको पता है मैक्सिमम हाइट जो होती है u² अपॉन 2g होता है। तो इसको आप लोग को याद रखना है, ठीक है? इसका डेरिवेशन भी कर लीजिए, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। अब उसके बाद से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं, जैसे बोल रहा है ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, ये तीसरा क्वेश्चन है। देखिए पूछा हुआ है, हम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन ही लिखा गया है, तो उसको डिस्कशन से कोई फायदा नहीं, बस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बोल रहा है कि यह ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु का वेग जमीन पर होगा। तो आपको पता है कि जब ऊपर से गिरता है कोई ऊंचाई, तो वो काइनेटिक मतलब पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज होता है? काइनेटिक एनर्जी में। तो ½mv² √g h करते हैं, ठीक है। तो उसका जैसे वो डेरिवेशन करते हैं, तो v² = क्या होता है? 2gh रूट में। तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं। अब उसके बाद से देखिए ये गति का फॉर्मूला होता है, तीन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको याद कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए पूछा हुआ है, ठीक है, निम्न में से कौन सा देखिए गति का एक समान समीकरण है, जैसे u और भी पिंड का प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग है, यस, पिंड का त्वरण है t सेकंड में। तो विस्तार मतलब क्या पूछ रहा है, गति का समीकरण कौन सा है? तो आपको पता है s = ut + ½at² होता है, ठीक है। तो इससे आप लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे ना, यस तो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं कौन सा गति का नियम न्यूटन का बल का माप बनाता है? तो आपको पता है कि न्यूटन के कितने नियम है, 3 नियम है, फर्स्ट नियम, सेकेंड नियम, थर्ड नियम। तो आपको पता है कि फर्स्ट नियम जो है जड़त्व के नियम का पालन करता है, ठीक है। जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, जब कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक वो अपना पोजीशन कब तक नहीं चेंज कर, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और बात करते हैं सेकेंड लॉ क्या होता है, सेकेंड लॉ होता है कि वो f = ma होता है। तो और थर्ड लॉ क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो आपको पता है कि बल का किसका परिभाषा देता है, न्यूटन का सेकेंड नियम जो होता है वो बल को परिभाषित करता है। अब उसके बाद से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये हम लोग का 6वां क्वेश्चन है और देखिए क्या है। 5 kg के द्रव्यमान का एक पिंड समतल के समानांतर कार्य कर रहा है, तो 6 न्यूटन के बल के द्वारा 30 डिग्री पर अनंत से 2 मीटर तक ढकेल तो कार्य ज्ञात करिए। तो आपको पता है कि कार्य इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप लोग इस क्वेश्चन को करिएगा और इसका क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इसका आंसर होगा ये, ठीक है। और इसके आप लोग के लिए क्वेश्चन स्पेशली हम ले आए कि आप लोग को देखिए न्यूमेरिकल भी ऐसे सिंपल सिंपल पूछेगा, क्योंकि इस बार तो साइंटिफिक कैलकुलेटर आ रहा है ना एग्जाम में। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यदि किसी बल का घटक x ऋणात्मक हो और y घटक धनात्मक हो, तो वह बल की दिशा होनी चाहिए। तो आपको पता है कि ऐसे लिखते हैं ना,
तो ये हम लोग का होता है वाई कंपोनेंट होता है, ये हम लोग का एक्स कंपोनेंट होता है। तो अब बात करें यदि किसी बल का घटक एक्स ऋणात्मक है, तो आपको पता है ये वाला जोन होता है प्लस होता है, ये वाला जोन होता है माइनस होता है, और इसके लिए ये जोन प्लस होता है और ये जोन होता है इसके लिए माइनस होता है। तो बोल रहा है कि बल का एक्स ऋणात्मक है तो एक यहाँ बैरी कर रहा है, और वाई का घनत्व धनात्मक हो तो वाई का कहाँ धनात्मक हो, तो इसमें तो ये बैरी किस में करेगा, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आपको किस में बैरी करेगा, सेकेंड में। तो इसको देख के आप लोग को ट्रिक कर देना है। अब उसके बाद सही नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं एक डिड पिंड अंतरिक्ष में डी मतलब गिरती है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। तो आपको पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किसको कहते हैं, कोई भी पार्टिकल है वो इंडिपेंडेंट कितने तरफ से मूव कर सकती है वही उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। तो कोई भी पिंड जैसे अंतरिक्ष से गिरती है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है, क्योंकि क्या है जैसे मान लीजिए बात करते हैं सर 6 कैसे होगा, तो 6 3 तो होगा एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में, और वो क्या करेगा अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन भी तो करेगा, तो 3 क्या होगा रोटेशन वाला और 3 क्या होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं 0.01 किलोवाट में क्या होता है। तो आपको पता है वाट किलोवाट दे रखा है, तो वाट ये जूल प्रति सेकंड क्या होता है वाट होता है, तो किलो इक्वल टू 10 टू द पावर 3 होता है, तो आपको 10 टू पावर 3 से गुणा करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा, क्योंकि ये होता है ना 0 00 नीचे जाएगा। तो आप लोग ये कितना इजी क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं ये बेल्ट चालन में सामान्य वेग अनुपात क्या होता है, नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ रेशियो ऑफ बेल्ट ड्राइव पुली। तो मतलब बोल रहा है कि ये डेरिवेशन आपको करना पड़ेगा, और इसका डेरिवेशन निकालते तो कुछ एक्सप्रेशन निकल के आता है, आप लोग को बस उसको याद करते हो। इसको बस आप जनरली याद करिए कि जो वेलोसिटी रेशियो होता है ड्राइव एंड अराउंड का, तो आपका 10 होता है, ठीक है। अब उसके बाद से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग का 11वां क्वेश्चन है, वे पिंड जो संघटक के पश्चात परिक्षेपित होता है निम्नलिखित कहलाते हैं। तो आपको पता है कि द बॉडी ऑफ रिबाउंड आफ्टर इंपैक्ट द कॉइल, मतलब ये बोल रहा है जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो क्या करें अपने ओरिजिनल पोजीशन में लौट आए, तो वो किसको कहते हैं, बात करें इलास्टिक कहते हैं, इन इलास्टिक कहते हैं या प्लास्टिक कहते हैं। तो आपको पता है कि इलास्टिक उसको कहेंगे ना, क्योंकि जो फोर्स लगाएंगे वो फोर्स रिमूव करेंगे तो अपने ओरिजिनल पोजिशन में चला है, तो उसको इलास्टिक कहेंगे, ठीक है ना। अब प्लास्टिसिटी आपको पता है कि जो अपने ओरिजिनल पोजीशन में ना लौटे उसको प्लास्टिसिटी कहते हैं। अब बात करते हैं द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल एज कम्पेयर टू इक्वेटर। तो आपको पता है कि पोल पे जो है जी का मान अधिक होता है और इक्वेटर पे क्या होता है कम होता है। तो आपको पता है कि पोल पे पूछ रहा है कि ध्रुव के कंपेयर में पोल पे कितना होता है, आपको पता है कि ऑलरेडी ज़्यादा होगा, ठीक है। और आपको ये बात पता है कि जी मतलब जी जो होता है बैरी करते रहता है चंद्रमा पे, जी वाई शिफ्ट होता है, और हम हर पोजीशन बदलने के साथ साथ जी के मान में वैल्यू होता है, ऊपर जाएंगे तभी बढ़ेगा नीचे जाएंगे तभी बढ़ेगा घटता बढ़ता रहता है, ठीक है ना। सरल आवर्त गति से गतिशील एक कण का वेग माध्य स्थिति में डैश होता है। तो आपको बताना है कि जैसे मान द वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल विथ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन डैश इज द मेन पोजिशन। तो वो जब अधिकतम पे रहेगा ना उसकी वो अधिकतम पे रहेगा तो उसका गतिशील माध्य होगा, ठीक है। ये आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द लिफ्ट गोइंग टू डाउन द फ्रीली द अपियरेंट वेट ऑफ द मैन कंपेयर टू ओरिजिनल वेट। तो बोल रहा है कि जब कोई लिफ्ट है, जैसे मैं इसका कल एक क्वेश्चन कराया था, ठीक है, आज एक क्वेश्चन देखिए आगे, तो लिफ्ट से जितना भी उसका डेरिवेशन होता है ना तो वो आप लोग कर सकते हैं, ताकि कोई क्वेश्चन आया तो आप लोग उससे एथी कर मतलब उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि जब कोई लिफ्ट फ्रीली डाउन मूव करता है तो वो क्या करेगा, तो वो जिसका वास्तविक भार है ना उससे वो कम फील करेगा, तो इसका हो जाएगा लेस। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं, बोल रहा है कि एक पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर आर पर घूम रहा है और उसके रेखीय वेग डब्लू है, तो कोणीय वेग ओमेगा क्या होता है। तो ओमेगा इक्वल टू जानते हैं, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, वी आर होता है ना, ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू वी आर अपॉन वी होता है ना, आर अपॉन वी। तो इसमें कोई दिया नहीं है, इसमें कोई इसमें नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। अब उसके बाद से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, एक पिंड सरल आवर्त गति पर अधिकतम प्राप्त करता है जब आयाम क्या होता है, जब उसका आयाम शून्य होगा तभी वो मैक्सिमम गति प्राप्त करेगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं, जैसे
ये क्वेश्चन प्रीवियस में डिस्कस कर चुके हैं कि जब कोई ये ऊंचाई से गिरता है तो उसका वेग क्या होगा, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो आप लोग का हो जाएगा वी इक्वल टू 2gh। ठीक है, अब बात करते हैं, ये आप लोग के लिए एक न्यूमोरिकल लेके आए हैं, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और कोशिश करिएगा और उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है और आप लोग ये आज आप लोग का मैकेनिक्स का जितना भी क्वेश्चन है आज ये ख़त्म होता है। अब कल से हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन का जैसे मटेरियल साइंस का सीरीज लेके आएंगे। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग मेरे चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि दूसरे को भी फ़ायदा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।